हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी के एग्जाम से। सीजीएल का एग्जाम है 24 जुलाई को होता है 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इसमें हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मैथ के क्वेश्चन को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोला कि एक कार कवर करती है कुछ डिस्टेंस जो कि 350 किलोमीटर है 5 घंटे में, और दूसरी कवर करती है 450 किलोमीटर 90 किलोमीटर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि जो डिस्टेंस आपको दी गई है दोनों को प्लस कर दीजिए। दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ से 800 आ जाएगा, ठीक है 800। और नीचे इनका एवरेज टाइम निकाल लीजिए। एवरेज टाइम मतलब रिलेटिव टाइम, तो 5 यहाँ है और 90 यहाँ, सॉरी वो तो स्पीड दे रखी ना, तो ये तो 5 घंटे हो जाएंगे। इधर भी टाइम बनाओ, इधर टाइम बनाओगे तो 450, 90 घंटे में, तो इधर से भी कितना टाइम आया, 5 घंटे निकल के आया। तो आप करोगे क्या, 800 बटे 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। 0 से 0 कट करो, 80 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोला कि अब देखिए ये क्या है, ए क्यूब है इधर, इधर बी क्यूब है, इधर क्या है, 0.05। इधर हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे, इधर हम क्या लें एक्स वाई, और इधर क्या लें वाई स्क्वायर ले लेंगे। तो यहां से आप देखिए, अगर मैं इसमें से 5 को कॉमन निकालो तो, और इधर से भी 5 कॉमन निकालो, इधर से भी 5 कॉमन निकालो, तो यहाँ नीचे क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जो हमने कॉमन क्या निकाला, 25 निकाला, ठीक है 25 निकाला, और यहां से भी ये 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। जो ऊपर वाला बन रहा है बिल्कुल देखिए 3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ऊपर वाला बन गया। तो हम क्या लेंगे, ए स्क्वेयर ए बी ले लेंगे और बी स्क्वेयर ले लेंगे। तो आपको फार्मूला पता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे तो ये दे तो रखा है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमने पास क्या बचा, ए प्लस बी बचा, तो इसका मतलब 0.01 प्लस में 0.003 बचा, ठीक है। और एक 25 भी तो हमने जो कॉमन लिया था, 25 भी तो नीचे है, 25 नीचे है, तो यहां से कितना आया, 0.013 अपॉन में 25 आया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/25। तो लिखे लिखेंगे 7 में 10 की कितनी पावर हो जाएगी, यहाँ 3 डिजिट है तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर दे देगा। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। शॉपिंग के अंदर डिस्काउंट चल रहा है तो देखते हैं, अलग अलग डिस्काउंट दे रखे हैं। एक तो सिंगल डिस्काउंट है 30% का, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं 15% का, इसका मतलब 15% का सक्सेसिव है। तो 15 + 15 - 15 × 15 अगर आप करोगे 30 हो जाएगा। क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो 30 हो गया। 30 में से कुछ माइनस करोगे तो ये तो कम हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बाय 2 गेट 1 फ्री, 2 पर तो 1/3 का हो जाएगा, तो 33.1% 1.3% हो जाएगा। यहां से 5 पे 3 फ्री, तो 3/5 × 100 करिए, तो ये आपका 20, तो यहाँ से 60% आ गया। तो मैक्सिमम बताना, तो फोर्थ ऑप्शन चौथ चार नंबर आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी भाई, 3/8 होगा, यहाँ 3/8 होगा, और 3/8 की वैल्यू क्या होती है, 37.something% होती है, ठीक है। अभी भी सबसे ज्यादा यही है। बोला कि 2 सर्कल है जिसकी रेडियस इतनी है इतनी है, टच कर रही है एक्सटर्नली, बाहर टच कर रही है, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताना है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्या 2 × R1 × R2 होता है। तो 2 ×√ के अंदर 22 × 16 कर लीजिए, तो यहां से क्या है, 2 × 2 × 11 × 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 तो बाहर आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, तो 2 × 4 8 आ गया, और अंदर √22 आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ एक कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, बना लो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल।
ए बी सी ठीक है। इसमें हम क्या ले रहे हैं, ए के कोरस्पॉन्डिंग डी ले रहे हैं, बी के कोरस्पॉन्डिंग ए ले रहे हैं, सी के कोरस्पॉन्डिंग एफ ले रहे हैं। बोला कि ए सी और डी एफ, ए सी इसका और इसका रेशियो क्या 2:1 है, तो फोर्स बताना नहीं होगा क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो हो सकता है। ठीक है, ए सी इस बाकी एक बार देख लें। तो मैंने कॉन्ग्रेंट में क्या बताया था, दोनों क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग होंगे, कोरस्पॉन्डिंग मतलब इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वल होंगे तो रेशियो तो कभी भी इक्वल, ये तो रेशियो इक्वल नहीं दे रखा, गलत हो गया। द पेरीमीटर ऑफ बोथ ट्रायंगल इज इक्वल, हाँ बिल्कुल है, अगर साइड इक्वल है तो पेरीमीटर भी इक्वल हो। ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई बिल्कुल ठीक है, बी सी बराबर ई एफ ये भी ठीक है भाई। रेशियो ऑफ एंगल ऑफ बोथ ऑफ ट्रायंगल इज सेम, एंगल का ट्रायंगल एंगल का रेशियो भी क्या होगा इसमें सेम होगा। ठीक है, ओनली वन गलत हो जाएगा क्योंकि साइड जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। टेन एक्स ये बोला गया तो हमें ये निकालना है, तो कॉस एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कॉस एक्स से डिवाइड करोगे, इधर भी कॉस एक्स से डिवाइड करोगे, इधर भी कॉस एक्स से डिवाइड करोगे, इधर भी कॉस एक्स से डिवाइड करोगे, तो 9 × 10x बन गया, तो 9 × 7/5 हो जाएगा, -42/5 हो जाएगा, 15 गुना ये 10x बन जाएगा 15 के साथ, जिसकी वैल्यू 7/5 है, प्लस करोगे 21, कॉस से कॉस कटा, ये तो कट देंगे ना, 1 हो जाएगा, तो ऊपर कितना आया 9 × 7 = 63/5 -45/5 डिवाइड बाई 5 से कट करो 3, 21 + 21 ऊपर कितना आ जाएगा 63 - 45 कितना हो जाएगा भाई 8 और 1 18, 18/5 गुना 21 इसके साथ लगा देते हैं। ओके, तो 6 से कट करिए, 6 3 6, 3 से 7, 3 से ये 7 हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा, तो 6/35 आपने करना है, तो 35 0.60 आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले इस तो नहीं सब पर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन कैट्स क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज इतना है। बोला कि x³ - y³ दो नेचुरल नंबर है, इनका डिफरेंस जो बोला है वो 6 2 7 2 बोला है। आगे देखिए, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन नंबर इज एट, x - y करोगे तो 8 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट हमने करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। तो x³ - y³ क्या हो जाएगा, x - y, x² - xy, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, +y². ठीक है, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 6 2 7 2 के बराबर, ये आपका 8 होता है, x² + xy + y², 6 2 7 2 कट करिए 8 से, 8 से कट करोगे तो कितना आएगा भाई, यहां से 8 से कट करोगे तो 8 256, 6 7, 8 8 64, 3 2 832, ये आपका क्या हो जाएगा, x² + y², यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x - y का कंप्लीट स्क्वेयर कर सकते हैं, प्लस में 3xy कर सकते हैं, 784, और x - y का स्क्वेयर मतलब 64 का स्क्वेयर, 64 आ जाएगा, प्लस में 3xy इजिकल टू 784, 64 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 720 आ जाएगा, और 3 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 240 आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 आ जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना है। तो अगर हम सब स्टार्टिंग में भी करते तो स्टार्टिंग में आप कर सकते थे, स्टार्टिंग में आप यह भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे क्या, कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x - y³ - 3xy, x- करना तो प्लस हो जाएगा, x - y इज इक्वल टू दैट, ये भी आप लगा सकते थे। ठीक है, मैं जस्ट सिंपल सा समझाने के लिए मैंने इतना लेंथ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ भाई,
बोला ए बाई बी इतना है तो ये कितना होगा, तो सेम काम बी को डिवाइड कर लीजिए सभी के साथ, सभी के साथ तो ये कट जाएंगे। और ऊपर क्या है, 6 ए बाई बी, तो 6 × 7/6 हो जाएगा +13। नीचे भी 6 × 7/6 हो जाएगा -13। 6 से 6 कट कर दो, यहाँ भी यहाँ भी, तो ऊपर तो 20 आया माइनस का, नीचे 6 आएगा। 2 से कट करो 3, 2 से कट करो 10, तो -10/3 आपका राइट आंसर दे देगा। आसान सा क्वेश्चन था। बोला कि एक 200 मीटर लीनियर रेस, मतलब एक सीधी रेस है, सीधी रेस है। ए बी स्टार्ट ऑफ, ए जो है बी को 25 मीटर का गैप देता है, देन ए विन, ए फिर भी 10 सेकंड से जीत जाता है, ठीक है। अल्टरनेटली ए गिव, मतलब अब दो कंडीशन दे दी, ए अब बी को 45 मीटर का गैप देता है और रेस एंड करता है 150 पहले, बराबर सॉरी इक्वल में, तो हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू रन 200 मीटर, 200 मीटर में उसका क्या बताना है, टाइम बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले 25 था, 45 हो गया, 25 से 45 हो गया, तो गैप निकालिए कितना गैप निकला, 20 मीटर का निकला, ठीक है। और ये 20 मीटर कितने के बराबर होगा, 10 सेकंड का, क्योंकि 10 सेकंड से जीतता है, ठीक है, 10 सेकंड से। तो 1 सेकंड में कितना होगा, 1 मीटर में कितना होगा, 1/2 सेकंड, 1 मीटर में कितना होगा, 1/2 सेकंड का होगा, और हमें कितने का निकालना है। तो भाई आपको इतना समझ आ गया, तो बोला कि 150 मतलब इक्वल रेस खत्म की है, इक्वल रेस खत्म की है, तो यहाँ तो 200 मीटर में ए का टाइम चाहिए, तो ए का टाइम तो आप यहाँ से निकाल लोगे 100 सेकंड का, लेकिन हमें वो नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, पहले बी का टाइम निकालना है, बी ने कितना तोड़ गया होगा, बी ने क्या है 25 मीटर का गैप रखा, पहले 25 मीटर का गैप रखा, हम बी का काम कर रहे हैं, 25 मीटर का गैप रखा 200 में से, तो इसका मतलब इसने 175 की डिस्टेंस कवर की होगी, तो यहां से टाइम निकाल दो बी का, बी का टाइम कितना आया 175/2 गुना, ठीक है, 175/2। ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर आप 175 मीटर देखोगे तो 175/2 सेकंड आ जाएगा, ये बी का है, ठीक है, हम बी का काम कर रहे हैं, और कितना आ जाएगा यहाँ से 87.5 मीटर आ जाएगा, राइट। लेकिन ए ने क्या बोला कि ए ने 10 सेकंड पहले गैप कवर कर चुका है, तो ए ने 10 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले मतलब ए तो पूरा गया है, ए तो पूरा गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसने 200 मीटर कवर किया, लेकिन 10 सेकंड पहले किया, तो 87 में से 10 सेकंड माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 77.5, आपका राइट आंसर दे देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के पूरा अच्छा वाला बोला गया है, राम कॉपी करता है 60 पेज 15 घंटे में, ठीक है भाई, राम कॉपी करता है 60 पेज, 60 काम करता है 15 घंटे में, राम और रिया मिलकर 180 पेज काम करते हैं 30 घंटे में, राम प्लस रिया दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 180 पेज काम कर रहे हैं, और कितने घंटे में, 30 घंटे में, तो रिया 20 पेज कब करेगी, हमें निकालना है, तो 30 से 6 चला गया, 6 से 10 चला गया, 15 5 से 5 5 तो नहीं, 3 राम इधर, 2 राम प्लस 2 रिया आ जाएगी, राम को इधर भेजेंगे तो ये अकेला राम आ गया, और इसका रेशियो निकालो कितना है, 2/1 आया, राम की वैल्यू कितनी है 2 है, रिया की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमें रिया के 20 पेज निकालने हैं, तो ये क्या होगा, रिया के 20 पेज निकालेगा, रिया के 20 पेज निकाले कितना टाइम लेगा, टाइम हमें निकालना है 20 पेज निकालना है, तो पहले टोटल काम देखो, ये जो है इक्वल हो जाएगा किसके, टोटल काम, राम, राम की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 × 15/60, तो 30 × 6, ठीक है, तो 30 × 6, तो रिया का टाइम कितना आ जाएगा, रिया ये 20 इस साइड में मल्टीपल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 20/2 हो जाएगा, और ये आप कट करोगे तो 10 आपका आंसर दे जाएगा, अरे सॉरी रिया की जगह 1 लेंगे ना, रिया की जगह लेंगे, टाइम निकालना है, टी निकालना है, तो टी आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि 4 वोमेन और 7 मैन, 4 वोमेन और प्लस में 7 मैन कमाते हैं 11,480 रुपये 7 दिन में, ठीक है, तो एक दिन का निकाल लो, एक दिन का कितना आ जाएगा भाई, 7 × 7, 7 6
और 7 चौक 0 8, ठीक है, एक दिन में इतना निकल जाएगा। जबकि 10 वुमेन 17 मैन मिलके इतना काम इतना कमाते हैं 9 दिन में। 10 वुमेन और 17 मैन मिलकर इतना काम इतना कमाते हैं इतने दिन में, तो इसको भी डिवाइड कर लो, एक दिन का आ जाएगा 404 और 0, इतने रुपए कमाते हैं एक दिन का निकाल रहा हूं भाई मैं ये, ठीक है। तो भाई यहां से हमें या तो वुमेन माइनस करना पड़ेगा या मैन माइनस करना पड़ेगा, जब तो एक चीज निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं और इधर 4 से, क्योंकि हमने वुमेन को काटना है, ठीक है। तो ये तो कट जाएंगे मल्टीपल होते हैं, और ये आपका 70, ये आपका 68, तो यहां से कितना मैन आया, 2 मैन आया, ठीक है। और ये आपका 16,400, और माइनस करोगे 16,16,0, तो 16,16,0 माइनस करोगे तो यहां से आपका आंसर आएगा 240। मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 120। मैन कितना कमा रहा है, 120 कमा रहा है, ठीक है। तो यहां से वो मैन निकाल लो, मैन का वैल्यू पुट करो, 4 गुना 120, 4 गुना 120 मतलब 480 प्लस में 7 मैन। अरे मैन की निकालना ना, मैन तो भर दिया हमने, तो वो मैन का निकालना है। तो 4 वुमेन प्लस 7 गुना 120 कितना हो जाएगा, 840, 1640। 4 वुमेन 840 को माइनस करोगे 0 0 800, और वुमेन कितनी आ जाएगी भाई, 200 आ जाएगी। वुमेन का कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या निकालना है, 11 वुमेन और 9 मैन करके निकालना है। 11 वुमेन प्लस 9 मैन कितने दिन के लिए, 13 दिन के लिए, ये लो भाई 13 दिन के लिए निकाल। 11 वुमेन का कितना है, 200, और मैन का कितना है, 120 मल्टीप्लाई 13, तो यहां से 200 आया प्लस में कितना है, 108, 2200 आया यहां से इंटू में 13, और यहाँ पर कितना आएगा, 0823 इंटू में 13। तो आप देखिए कौन सा जाएगा पूरा 13 से, बाकी इतना तो आपको करना ही नहीं। अगर शॉर्टकट बताऊं तो शॉर्टकट ये होगा कि 13 से डिविजिबिलिटी रूल लगा कर दे लो, 13 से कौन कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इससे आप पूरी कैलकुलेशन से बच सकते हो, ये तो बस आपको समझाने के लिए बताया गया इतना लंबा। तो 0 13 8 64, सॉरी 13 8 104, 13 2 26, 26 और 10, 13 2 26 और 10 36, 13 3 39 और 3 42, ये। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं 13 से कंप्लीट डिवाइड, 13 3 39, 3 7, 13 2 26, 13 2 26, 1 7, 13 1 7 26, क्यों यहाँ पर 27 37 था, जो कि 11 देगा, 117 भाई 13 से कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी यहाँ पर भी, ठीक है। तो आगे चेक करते हैं, ए नोटबुक वॉज सोल्ड रेट 28, प्रॉफिट ऑफ 12% हैड बीन सोल्ड इतने में, देन व्हाट वुड द वुड हैव बीन प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला। तो 12% का आप सीपी और एसपी यहां से निकालिए, रेशियो पहले रेशियो निकालिए, 12% कितना होता है, 3/25। अगर सीपी आपका 25 है, एसपी प्रॉफिट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 28। जो ऑलरेडी इसने 28 को 28 के बराबर ही रख दिया, 28 को किसके बराबर रख दिया, 28 के मल्टीप्लाई 1 के, ठीक है। लेकिन बोल रहे हैं अगर इसकी बजाय 26.25 में देता हूं तो प्रॉफिट परसेंट बताओ, 26.25 में देता हूं, मतलब 28 की बजाय ये कितने में देता, 26.25 में देता, तो कितना गैप है, कितना गैप है चेक करिए, 1.25 का गैप है, नहीं 1.7, अरे गैप क्यों, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट सीपी और एसपी का देखेंगे, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो आप देखिए कितना 1.25 है, कितने पे, 25 पे गुना 4 कर 100 कर दीजिए, 25 से कट करो 4, 4 4 गुना 100, 4 गुना 1.25 कितना होता है, 5 होता है, सीधा आंसर 5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 28 की बजाय अगर हम इसने में देंगे तो,
ए कैन कंप्लीट वर्क इन 9 days, ए पूरा काम किसी 9 दिन में करता है, ठीक है, बी 12 दिन में करता है, ए 9 दिन में, बी 12 दिन में, दे वर्क टूगेदर ऑन इट फॉर 5 days, ये दोनों मिलकर 5 days काम करते हैं, टोटल काम पर ये 36, तो 9 चौक 36 होता है, 13 3 होता है, ये तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 7, टोटल कितना दिन में कर रहे हैं 5, गुना 5 करिए 35 हो जाएगा। बोला कि कितना काम बचा, 36 में से कितना काम बचा आपका, 35 हो गया तो एक काम बचा, तो 1/36 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। एक एरोप्लेन है, ट्रेवल करती है 5 टाइम एज फास्ट एज बस, बस से क्या कर रही है 5 गुना ज्यादा, मतलब 5 गुना ज्यादा टाइम। एक एरोप्लेन है, ट्रेवल करती है 5 टाइम एज फास्ट एज बस, जितना की बस ले रहे हो उससे 5 गुना जल्दी ले जा रहे हैं, बस कवर कर रही है 60 किलोमीटर 80 मिनट में, बस कवर कर रही है 60 किलोमीटर कितने में, 80 मिनट में, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन बताना है 25 मिनट में कितना होगा, तो यहां से बस की स्पीड देखते हैं, स्पीड निकालते हैं यहां से, स्पीड कितनी हो जाएगी 60/80 मिनट, 80 मिनट को आप किस में चेंज करोगे घंटे में, तो 80/60 हो जाएगा, तो 60 ऊपर आ जाएगी, तो 20 से कट करो, 20 दिए 20 चौक 4 से कट करो 15, तो स्पीड ऑफ बस कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी, ठीक है राइट। तो यहाँ पर रेशियो निकालो पहले एरोप्लेन और बस का, तो एरोप्लेन और बटे बस का, बस अगर 1 से चल रही है तो एरोप्लेन कितने से चलेगी 5 से, तो 1 का मतलब यहाँ पर कितना आया 45 आया, 5 का कितना आ जाएगा गुना 45 करिए, करो भाई 45 5 225 आया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है 25 मिनट में, डिस्टेंस निकालो पर 225 गुना एरोप्लेन का निकालना है 25 मिनट, 25/60 कर दीजिए, क्योंकि हमें किसमें निकालना आंसर घंटे में, ठीक है। तो भाई कर दो आप सॉल्व इसको, तो 25 5 125, 25 9 50 और 7 हो गया, या कट कर ले पहले थोड़ा, 5 से कट करो 5 5 से कट करो 12, आप सॉल्व करो 25 5 125, 25 2 सॉरी 5 2 10 और 1 11/12, तो ये कितने बजे आ जाएगा भाई 12 आदमी 108, 4 5 12 3 36, 93.5 मैं 93 पॉइंट समथिंग गया, तो ये आपका राइट आंसर है, बाकी खुद प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन ले गए भाई टाइम बहुत ज्यादा, तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट लेता है, डिपॉजिट करता है 4.5% का, 135 रुपये का, जो कि 1 साल के लिए है। हाउ मच विल एडिशनल एडिशनल इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर, 1 साल में कितना लेता कि सेम डिपॉजिट 5% में चला जाए, तो भाई देखो 4.5% क्या होता है, 4.5% अगर आप निकालोगे 45/100, तो 5 से 9/ तो भाई इसको मैं सिंपल करता हूँ, 9/2% जो कि 135 के बराबर है, 9 से कट करोगे ये आपका 15 आ जाएगा, तो यहाँ से 1/2% जो होगा वो 15 के बराबर होगा, और 1% जो होगा वो डबल हो जाएगा 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या निकालना, आधा का निकालना, आधा का निकालना, हाउ मच एडिशनल, एडिशनल कितना है, 4.5 था 5 हो गया, 4.5 से 5 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, आधा, आधा की वैल्यू कितनी हो गई 15, 15 आपका राइट आंसर दे दूंगा, ठीक है। बाकी छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा सिंपल मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें रुपये वगैरह कुछ लेकर निकालने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, 2 + 30 - 26, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय 8, 8 3 - 2 1 हो जाएगा, इनटू 0.5, तो 2 + ये आपका 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 8 * 1/2 हो जाएगा, 8 से कट करो 2 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आपके पास कितना आया, ये आपका 1 हो गया, 2 + 1 कितना आंसर आया, 3 आपका राइट आंसर आया, कितना प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सेंट्रोइड गोला ही इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर में एल पी क्यू आर सेंट्रोइड एल है तो हम यहां पर एल बना लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 है। पी एल की वैल्यू हमें निकालनी है। ये लो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, रेशियो निकालिए, आपका 2 होता है या आपका 1 होता है, ठीक है ओके। और एक बात और देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो नीचे वाली भी 6 होगी तो इसमें वाली भी 3 होगी, ये 3 होगी ओके। तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप चेक करिए, सेंट्रोइड जो होगा ना यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 6 होता है, ये 3 होता है, और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 36 माइनस 9 करोगे तो कितना होता है, 36 माइनस 9। वैसे सिंपल निकाल लेते हैं ना, हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं, क्यों इतना ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हाइट भी है ना। तो हाइट का क्या होता है, √3/2 इंटू साइड होता है, साइड कितनी है, 6 है, 2 से कट करो 3, कितना आया, 3√3। इस पी एम ले लो, पी एम की वैल्यू कितनी है, 3√3, और पी एल कितनी है, 2 के बराबर, 2 की वैल्यू चाहिए हमें, ये तो 3 के बराबर थी ना, तो जब इतना था 2 की चाहिए तो कितना आया, 2√3 आपका आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है तो 15 + 5 कितना हो जाएगा, अरे बाद में सोल्व करें, पहले मल्टीप्लाई है, पहले ब्रैकेट भी तो सोल्व करना है। 6 3 18, 18 और 5 23, 23 × 3 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, सारा सारा 0 हो गया, 15 आपका बचा, ठीक है। एक छोटी सी हिंट ने हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में मजबूर कर दिया, मजबूर नहीं मतलब आसान कर दिया। हमें क्या निकालना है, पाई चार्ट शो करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36 मार्बल अमोंग 3%, 3% में 36 मार्बल है, तो मार्बल मधुरई माधुरी को कितना मार्बल मिला, तो माधुरी का मार्बल ये है 180 डिग्री, और 180 मतलब ये टोटल कितना का, 360 का, 360 डिवाइड करिए तो, और 36 मार्बल है तो 36 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक से आपका ये, दो ये, और ये आपका 18, 18 राइट आंसर आपका, सीधा साधा चला जाएगा माधुरी के पास, ठीक है। एक पर्सन स्पेंट करता है 25% ऑफ इनकम डेली यूज पर, फर्दर मोर स्पेंड करता है 18% हाउस रेंट पर, 16% ट्रेवल पर खर्च करता है, आफ्टर दैट उसके पास जो बचते हैं 861 रुपये बचते हैं, सैलरी क्या होगी उसकी, तो सैलरी मान मान लेता हूँ 100 रुपये, ठीक है। 100 में से 25% का जा रहा है गुड्स पर, तो कितनी बची, 75 बचा, ठीक है। अब उसने खर्चा 18% रेंट पर, तो 75 बचा, तो 75 का 18% कितना होता है, जो बचत होगी वो 82% बचत होगी, तो 75 का 82% हमें निकालना है, जो कितना देगा, 25 से 3, 25 से 4, 4 से नहीं 2 से, यहाँ पर 11, 82 है ना, 11 नहीं 41, यहाँ पर 123/2% देगा, 123/2% हमारा बचा है अभी, उस पे भी 16% का क्या गया, खर्चा कर दिया, तो 16% का खर्चा गया तो बचा कितना, 84%, 84% से कट एक सोल्व करिए 42 ओके। हमें काम को 4 से कट करते हैं, 4 से 21, 4 से 25, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए 2 एडिटिव रख लेते हैं, और अरे अरे हाँ, आइडिया है ना, इतना मैं भी कर रहा हूँ, इतना क्या, इतनी हार्ड कैलकुलेशन तो नहीं होती, तो यहाँ से आपको कितना आया था, 123/2 आया था, गुना में बचत कितनी थी, 84/100 थी, जो कि कितने के बराबर है, बच चुके हैं 861 रुपये, यहाँ पर 861 के बराबर कर दो, 4 से कट करो, 4 से आपका कितना आ जाएगा, 21, 4/25, 223 से जा रहा है, 7 पे जा रहा है सीधा, 23 से कम, 123 से कम, 123, 7 से गया, 7 से आपका 3 चला गया,
है, तो कितना बचा भाई इसको अगर मैं एक्स मान लूंगा, परसेंटेज मान लूंगा, तो उधर उधर भेज जो सभी हो, तो 25 25 50 50 बटे 3 बचा, ठीक है, 50 बटे 3 बचा, तो 50 बटे 3 तो हमारा एंड में बचा है, लेकिन पहले कितना था 100, तो 50 बटे 3 गुना 100 आपने करना है, तो 5,000 बटे कितना बचा, 3, जो कि कितने के बराबर देगा, इसके बराबर देगा, पैसे 400 करके देख सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखे हैं आज के शिफ्ट में, साइन थीटा कोसेक थीटा इतना दे रखा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, कोसेक थीटा कितना था 1/sin थीटा होता, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं 1/sin³θ निकाल सकते हैं, इसको मैं एक्स मान लो, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है √5, यहां से आपको x³+1, तो क्यूब निकालना, तो क्यूब कैसे निकालो, √5 का क्यूब कर लीजिए और माइनस में √5 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, इन माइनस में 3 √5 हो जाएगी, तो यहां से 5 √5 आए, -3 √5 आया, तो 2 √5 आपका आंसर सीधा साधा बच गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, बोला कि कोसेक थीटा कोट थीटा इतना है, तो यहाँ पर आपको सीधा सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3, ठीक है। तो यहां से अलग अलग इक्वेशन हमने बना दी है, तो जैसे इक्वेशन बनाओ तो उस दोनों को ऐड करो, तो कोट थीटा यहाँ पर कोट थीटा आएगा भाई, ठीक है, कोट थीटा से कोट थीटा कटेगा, तो 2 cosec थीटा प्लस क्या, तो 3/2 प्लस में 2/3, इन दोनों का सम करिए भाई, 9 और 4 13/6 और गुना 2 नीचे, तो 13/12, ये 2 आया भाई यहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 12 दिन में, ए और बी अकेला, बी अकेला 36 दिन कर रहे हैं सेम वर्क उसी काम को, और सी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, ये हमें निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में मिलकर कर रहे हैं, ए 36 कर रहा है और बी भी कितना कर रहा है 36, तो टोटल काम निकालिए 36 आ जाएगा, 12 3 ये आपका 1 ये आपका 1, तो यहां से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 में से इन दोनों को माइनस करिए, तो 3 - 1 2 - 1 2 1 बचा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 1 आई, टोटल काम 36 है और सी कितना देर से कर रहा है, 1 से, तो टाइम कितना लेगा, 36 टाइम लेगा। बोला कि एक डायमीटर ऑफ स्फीयर इतना है और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 7/2 हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें निकालना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हो 4/3 πr³ होता है, पाई की वैल्यू दे रखी, तो राउंड ऑफ 2 decimal निकालना है, निकालिए भाई 4/3 22/7 × r³ 7/2 × 7/2 × 7/2, इसको सॉल्व करना, 2 से 2 ये आपका 4 से 4 चला गया, 7 से 7 चला गया, तो भाई पॉइंटों में जो है ना डिविजिबिलिटी रूल लगा मुश्किल लगता है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व करिए 2 से आप इसको भी सोल्व कर दीजिए, 14 11 11 × 49 आपका अपॉन में 3, तो 3 से कट करो, 3 × 1 = 3 और 1 × 9 = 3 6 = 18 और 3 6 = 18 = 6, तो 66 है लास्ट में, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 67 आएगा लास्ट में डेसिमल के बाद, यहीं पर है या पर रहता चला जाएगा, बाकी खुद कैलकुलेशन करके देखिए क्या आंसर आना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज, 3 companies टेकन टूगेदर, टूगेदर मतलब तीनों कंपनी का एवरेज प्रोडक्शन और एवरेज डिमांड हमें देखना है, डिमांड क्या है ब्लू कलर में है, प्रोडक्शन आपका ऑरेंज कलर में, तो एवरेज निकालिए, एवरेज आप निकालोगे तो क्या है 3800 यहां से 4532 5318, तो 2 2 और
दो और आठ 10, 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 5 8, 8 8 16, 3 और 4 7, 7 और 6 13, बटे 3 माइनस है ना, डिफरेंस निकालना है। 3620, 3620, 2829, 2833, 9 और 3 12, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 8 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 20, 4 4 8, 4 2 6, 6 और 3 9, 3। इसको सॉल्व करना, आपने 3 से कट रहा, 3 तो 12, 3 5 15 0, 3 से कट करो, 3 1 3 0, 3 3 9 0, 3 1 3 2 6, ये नहीं कट रहा भाई। क्या पॉइंटों में आंसर है क्या? पॉइंटों में भी नहीं है भाई। भाई गलती मिल गई, गलती क्या है, गलती अभी बताता हूँ। ये आपका 92 आएगा यहाँ पर, ये आपका 92 आएगा, 3 से कट करोगे, 3 3 9, और 3 27, 312, 0, तो आपका जो आएगा लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी खुद ट्राई करके चेक करें। तो आज के इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, वीडियो काफी लंबी बन गई। तो कोई नहीं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, तो इस वजह से लंबी बनी है। तो बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।